हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों बहुत समय पहले की बात थी, वंस अपॉन अ टाइम, बचपन की कहानियां अक्सर फ्लैशबैक में चला करती थी। इनमें दुष्ट राक्षस द्वारा कैद की गई खूबसूरत राजकुमारी थी, जिसे घोड़े पे सवार राजकुमार आजाद कराता था। आप अपने आप को या तो राजकुमारी समझती थी या राजकुमार। इनमें जादू की छड़ी घुमाकर जन्नत की सैर कराने वाली, रात में फूलों की घाटी पे उतरने वाली चमकीली झिलमिलाती परियां भी थी। परी कथाओं की जगह अब स्पाइडरमैन और हैरी पॉटर की जादुई दुनिया ने ले ली है। परियां, तितलियां और माँ के हाथों की बनी बड़ियां गुजरे जमाने का हिस्सा हो गई। अब तो शायद ही नन्ही लड़कियां झाड़ू की सीकों पर फंदे डालकर बुनाई का पहला पाठ सीखती होंगी, शायद ही बच्चे गिल्ली डंडा खेलते होंगे। दोस्तों मुमकिन है गांव में ये परंपरा अभी भी कायम हो, लेकिन फैलते जा रहे शहर अब ये फुर्सत खो चुके हैं। बहुत समय पहले की बात थी, वंस अपॉन अ टाइम। दोस्तों अतीत, माजी, पास्ट, नाम कुछ भी नहीं, मगर गया वक्त लौटता नहीं, बस रह जाती हैं यादें। काल चक्र के हाथों रेत की तरह फिसल जाते हैं दिन, पखेरू नहीं होते दिन कि पिंजरे में बंद करके रखते। कभी अचानक चले जाते हैं अतीत के गलियारों में, मगर फिर लौट आते हैं आज में, जो सच है और सामने है। बातें बहुत सारी करनी है, वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले की बात थी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों पिछले 30-40 सालों में कितना कुछ बदल गया। बहुत दिन नहीं हुए जब बेहतरीन संगीत का आनंद ग्रामोफोन पे उठाते थे लोग। दूसरे शहर में बात करने के लिए ट्रंक कॉल बुक करानी पड़ती थी। गुरुवार का छाया गीत, संडे सुबह का महाभारत रामायण तो हाल ही की बातें हैं। बच्चों के पसंदीदा प्रोग्राम मालगुड़ी डेज की ताना नाना की धुन कानों में अब भी गूंजती है। अतीत जिंदगी का बीता हुआ हिस्सा है, उम्र जितनी आगे जाती है यादें उतनी ही प्यारी लगने लगती हैं। दोस्तों ये सच भी है कि अतीत में जीने की ख्वाहिश हमारे ग्रोइंग प्रोसेस के खिलाफ है, इसलिए कुदरत ने हमारी याददाश्त को इस लायक बनाया है कि हम अच्छी यादों को संजोए रखते हैं, बुरी यादों को भूल जाते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते वो समय के साथ नहीं चल पाते, ठहर जाते हैं बीते हुए कल के साथ। बहुत समय पहले की बात थी, वंस अपॉन अ टाइम। मैं हूं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। दोस्तों हमारे चेतन मन पे भले ही वर्तमान हावी हो, लेकिन अवचेतन में, सब कॉन्शियस में अतीत की यादें गहराई तक छुपी होती हैं। ऐसा न होता तो बीते दिनों की यादें क्यों सपनों में फिर लौट कर आती। बचपन का घर, हमारे क्लासमेट्स, गांव शहर के वो चेहरे अक्सर ख्वाबों में आते हैं, जिन्हें जागृत स्थिति में चाहकर भी हम याद नहीं कर पाते। ये सारे चेहरे ठीक वैसे ही सपनों में आते हैं जैसे वो वास्तव में तब होते थे। कई बार कोई गीत, कोई घटना, मौसम या पल पुराने दिनों में लौटा देता है। दोस्तों आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई गीत, किसी गीत की कोई धुन या कोई लव्ज या कोई लाइन, कोई घटना, मौसम या पल पुराने दिनों में लौटा देता है हमें। हमारी आंखों के आगे सीन्स कौंधने लगते हैं, जबकि रियल लाइफ में वक्त ही नहीं होता कि अतीत को याद करें। वर्तमान की घटनाएं, चिंता, व्यस्तता इतनी होती है कि अतीत भूलता जाता है। दोस्तों अगर हम भूल नहीं जाते तो जिंदगी कैसे अपनी लय में आगे बढ़ती। जो बीत गया लौट नहीं सकता, उसे इतना न याद करें कि वो आज पे हावी हो जाए। दोस्तों बहुत समय पहले की बात थी, वंस अपॉन अ टाइम। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों क्या लौटने लगा है गुजरे जमाने का आकर्षण, ये सवाल प्रासंगिक है। फिल्मों की बात करें तो 60 के दशक की याद दिलाती फिल्में आ रही हैं। आपने कुछ साल पहले शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम जरूर देखी होगी। इस फिल्म में कहानी और शेड से बीते जमाने की याद नहीं दिलाते, बल्कि दीपिका पादुकोण के मेकअप और कॉस्ट्यूम्स में भी पुरानी हीरोइंस का प्रभाव साफ दिखता है। दरअसल वो प्री प्लान है। गीतकार गुलजार का नाम लेते ही यादों का कोलाज सा बनने लगता है। फिल्म मौसम में संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया
ये गीत दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन यादों पे ही फोकस्ड है। दोस्तों हाल के दिनों में सूफी संगीत और कव्वालियों का दौर चल निकला है, पुराने और मेलोडियस गीतों की रीमिक्सिंग हो रही है, पुराना फैशन ज्वेलरी खान पान को तवज्जो दी जा रही है। दोस्तों आपने कई एड्स ऐसे भी देखे होंगे टेलीविजन पे जहां पे विज्ञापनों में एड्स में सहगल युग की याद दिलाने वाले गाने देवदास पारो के डायलॉग्स की झलक दिखाई जाती है। दरअसल अतीत की यादें प्रोडक्ट्स को पॉपुलर भी बना रही है। दोस्तों जब कभी आप कोई मॉल विजिट करते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो वहां मॉल्स में आपने गांव की याद दिलाने वाले सीन्स देखे होंगे जो वहां पे खास तौर पे पैदा किए जाते हैं, खास तौर पे मुंबई जैसे शहर में। दोस्तों अब हमारी जिंदगी मॉडर्न अमेनिटी से भरी है, सुख साधनों से भरी हुई है और हमारी लालसाएं बढ़ती जा रही हैं और हमारी जिंदगी तेज रफ्तार जिंदगी बन गई है। इसलिए ग्रामीण परिवेश की याद दिलाने वाले सीन्स अतीत में हमें ले जाते हैं, जड़ों से जुड़े होने का एहसास हमें कुछ देर के लिए सुकून दिलाता है, खासतौर पे मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पे लोग गांव से दूर जाने लगे हैं। बातें होंगी वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले की बात। दोस्तों दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों आने वाला पल जाने वाला है, समय कभी ठहरता नहीं, हर आने वाला पल जाने के लिए ही आता है। हर पल को ऐसे जी लें कि जिंदगी से कोई शिकवा शिकायत न रह जाए, हर पल को ऐसे जिए कि मरने का खौफ तक न छू सके। एक सुहाना अतीत था, एक चुनौतीपूर्ण वर्तमान है, एक अनदेखा भविष्य है। वर्तमान के काम ही भविष्य को गढ़ेंगे, इसलिए वर्तमान को ऐसा बनाएं कि भावी पीढ़ियों के लिए अतीत की यादें सुखद हो सके, आज को बेहतर बना सके, यही संकल्प होना चाहिए। दोस्तों गुजरे लम्हों को याद करना, भागते जा रहे समय से फुर्सत के कुछ पल चुराना अच्छा है। याद करना उस व्यापक विचारधारा को जिसमें विचारों को सहन करने की क्षमता थी, समृद्ध संस्कृति को जिसमें हर संस्कृति घुल मिल जाती थी, महान दर्शन को जिसमें संसार के सारे दर्शन निहित हैं। ये अच्छा है, खूबसूरत है। थोड़ी सी रूमानियत, अतीत में जीने की छोटी सी आकांक्षा बेहद जरूरी है ताकि जिंदगी में, समाज में और सारी दुनिया में आए इस तूफानी बिखराव को समेटा जा सके, खौफ और आतंक के साए में जी रही जिंदगियों को थोड़ी दिलासा दी जा सके, इसलिए जरूरी है थोड़ी सी रूमानियत। इसलिए दोस्तों कभी कभी अपने ख्यालों को रोमांटिसाइज करिए। बहुत समय पहले की बात थी वंस अपॉन अ टाइम, मैं हूं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील, हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से, तहे दिल से। दोस्तों बहुत ही मशहूर, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही जबरदस्त एक्ट्रेस वहीदा रहमान आज में ही जीती है। उनका मानना है कि इंसान अतीत जीवी हो ही नहीं सकता, वो पास में हमेशा जी नहीं सकता। बीते दिनों के बारे में कभी कभार सेंटिमेंटल होना लाजमी है, वहीदा रहमान भी होती हैं और लोग भी होते हैं। मुंबई में एक्ट्रेस आशा पारेख वहीदा रहमान की करीबी दोस्तों में से एक है। जब वहीदा रहमान मुंबई में होती हैं तो आशा पारेख और वहीदा रहमान मिलने के प्रोग्राम बनाते हैं और एक दूसरे के साथ यादगार लम्हे गुजारते हैं। कभी कभी बातों बातों में वो दोनों बीते हुए लम्हों के बारे में सोचकर बहुत भावुक हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं वहीदा रहमान ने बहुत कम फिल्में की हैं लेकिन यादगार फिल्में की हैं। काम के अलावा कुछ वक्त उनका अपना हो जिसमें वो अपने शौक पूरे कर सके, ये उनकी कोशिश हमेशा रही है। लिखने पढ़ने योग ध्यान बागवानी के शौक को पूरा करने के लिए वहीदा रहमान वक्त निकालना चाहती हैं। उनका मानना है कि अब वो समय नहीं रहा कि एक ही काम में लग रहे हैं, सभी को वर्सटाइल होना पड़ेगा, बहुआयामी होना पड़ेगा, सबको बदलना पड़ता है समय के साथ, ये मानना है इस महान अभिनेत्री का। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों वहीदा रहमान आज में जीती है। उनका मानना है कि किसी के पास वक्त नहीं है जो अतीत के बारे में सोचकर सेंटिमेंटल हो सके, और ये जमाना किसी को क्यों फुर्सत देता
की भूले बिसे दिनों की याद करें। समय हमेशा बदलता है और सबको बदलना पड़ता है समय के साथ। वहीद रहमान का जन्म 14 मई 1936 को हैदराबाद में एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली में हुआ। पढ़ाई में वो तेज थी, वालिद मैजिस्ट्रेट थे, उनका ट्रांसफर होता रहता था। वहीद रहमान की इच्छा थी डॉक्टर बनने की, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाई। वहीद रहमान डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग उन्होंने जरूर ली। बाद में वही उनकी रोजी रोटी का आधार बन गया। उनके अम्मी पापा गुजर गए, इसी बीच एक तेलुगु फिल्म की फिर पहली हिंदी फिल्म CID मिली। हीरोइन से कब वहीद रहमान कैरेक्टर एक्ट्रेस बन गई, कब हीरोइन से माँ दादी के किरदार में उतर गई, कैसे कहाँ सफर तय होता रहा, उन्हें इल्म ही नहीं हुआ। उन्हें कई बार सोचते हुए ताज्जुब होता है। उन्हें आज पे यकीन है वो शाश्वत है, चिरंतन है। दरअसल वहीद रहमान को जितना प्यारा अतीत था उतना ही वर्तमान भी है। वहीद रहमान आज में जीती है। बहुत समय पहले की बात थी, वंस अपॉन अ टाइम। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, देवानंद जिंदगी के 87 साल पूरे कर चुके हैं। लोग अक्सर उनसे उनकी उम्र और चुस्ती फुर्ती का राज पूछते हैं। वो कई बार दोहरा चुके हैं और आज भी कह रहे हैं कि वो आज में जीने वाले शख्स हैं। यूं तो हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसे पल जरूर आते हैं जब वो पीछे मुड़कर देखना चाहता है। कभी सुख तो कभी दुख के ये पल अचानक घेर आए बादलों की तरह मन में आ जाते हैं। बेचैनी, खुशी, उदासी, उत्साह के पल जीवन भी बदल सकते हैं। देवानंद का मानना है कि याद सिर्फ वही रखें जिनमें उमंग और हंसी खुशी के लम्हे जुड़े हैं। दोस्तों, देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विथ लाइफ में अपने जीवन की अच्छी बुरी सभी घटनाओं का जिक्र किया है। जिंदगी के सभी हसीन लम्हे उनके तस्वर में हमेशा ताजा रहेंगे। वो फिल्म प्रोडक्शन और तमाम कामों में बिजी रहते हैं और उनका मानना है कि जो रुक गया वो थम गया। वो नहीं चाहते कि बीते हुए के बारे में सोचकर अपने आज को खो दे। उन्हें रुकना पसंद नहीं। देवानंद का मानना है कि जो रुक गया वो थम गया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, देवानंद के जीवन में ढेरों ऐसे पल रहे हैं जिन्हें उन्होंने सही मायने में जिया है। कुछ हसीन पल स्क्रीन पर रहे तो कुछ स्क्रीन के पीछे रहे। उन्होंने सभी को संजो कर दिल में हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि वो उन यादों के सहारे जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। अगर आप उनसे पूछें कि अतीत में जीना कितना सही है, तो देवानंद यही कहेंगे कि उतना ही जितने में भविष्य के लिए खुशी मिले, प्रोत्साहन मिले और उमंग से काम करने की प्रेरणा मिले। मायूसी भरे पलों को सीने में दफन न करें, उन्हें निकाल दें। कभी जीवन के किसी मोड़ पे कुछ भूल हो गई हो तो उससे सबक सीख लें कि दोबारा वैसी भूल न हो। भूल के बाद की मायूसी को कभी याद न करें। तभी तो देवानंद की जीने की फिलॉसफी है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। दोस्तों, देवानंद ने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जावेद अख्तर एक दिग्गज लेखक और गीतकार। उन्होंने शोले, सीधा और गीता अंदाज जैसी फिल्में की। जावेद अख्तर मानते हैं कि यूं तो अतीत में कोई नहीं जीता, नहीं ज्यादा फिल्में अतीत के बारे में बनती हैं। नई पीढ़ी के कितने फिल्म मेकर्स बीते हुए सुनहरे पलों को उजागर करना चाहते हैं, ये बहुत ही अहम सवाल है जावेद अख्तर के लिए। उन्होंने रिसेंटली जो फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है ओम शांति ओम, इस फिल्म की मिसाल देते हैं जावेद अख्तर। दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम हमारे इस दौर की फिल्म है, लेकिन 60-70 के दशक की याद भी दिलाती है। फिल्म की कहानी, सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, कैरेक्टर्स के गेटअप सभी उसी दौर के हैं। आज के लोगों के पास फुर्सत नहीं कि बीते कल को याद करें, लेकिन कभी कुछ पल सुखद अनुभूतियां लेकर आते हैं। रिसेंटली जावेद अख्तर टेलीविजन के एक रियलिटी शो के लिए बतौर जज काम कर रहे थे। उसमें नई पीढ़ी के बच्चों को जब पुराने गाने गाते देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। ये उस संगीत की अद्भुत क्षमता है जिसे आज के बच्चे भी पसंद कर रहे हैं। अतीत से सीखने की बात करें तो ये मुद्दा ही अलग है। गुजरे जमाने में यादों के झरोखे से झांकता है तो शायद इसलिए कि पल पल बदलती और तेज होती इस दुनिया में वो पल उसे थोड़ा सुकून पहुंचाते हैं, उसे राहत देते हैं, ताजगी का एहसास दिलाते हैं। अतीत की गलतियों से सीखने से बेहतर बात क्या हो सकती है।
हालांकि ऐसा कम ही हो पाता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अतीत की गलतियों से सीखने से बेहतर बात क्या हो सकती है, हालांकि ऐसा कम ही हो पाता है। जावेद अख्तर का निजी तौर पे मानना यह है कि बीते कल में बस उतनी ताक झांक करें जितनी सुखद हो, उससे सबक लें, उसमें जीने की आदत न पालें, क्योंकि बीते कल को रोमांटिसाइज करने वाले, रूमानी बनाने वाले लोग पीछे छूट जाते हैं। जावेद अख्तर की पर्सनल लाइफ में वो सबसे खूबसूरत पल था जब उनके बेटे फरहान का जन्म हुआ। वो अपने दोस्त सलीम यानी उनके राइटिंग पार्टनर सलीम खान के साथ वो अपने बेटे को देखने हॉस्पिटल पहुंचे। सलीम खान ने ही सबसे पहले फरहान को गोद में उठाया। आज फरहान और उसके बेटे को देखकर जावेद अख्तर को उसके जन्म से जुड़ी तमाम बातें याद आती हैं। वो कई बार अतीत में खो जाते हैं, लगता है जैसे तरन्नुम में, लेकिन सच ये है, लेकिन जावेद अख्तर के लिए सच ये है कि जीवन तो आज में ही जीना चाहिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अतीत हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखने में मददगार है। बीते दिनों के बारे में हम इसलिए सेंटिमेंटल होते हैं क्योंकि अपनी जड़ों से कट चुके हैं, अपने वजूद को ढूंढ रहे हैं। मुंबई में आतंक फैलाने वाले लोग कौन हैं जिन्हें खुद से और दूसरों से प्यार नहीं है? ये जड़ों से कटे हुए लोग हैं, इतने दिशाहीन हैं कि उन्हें मौत का मंजर ही सुहाता है। हम सभी घबराहट में अपनी मंजिलें तय करते हैं और कई मंजिलें तय करने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, गलत दिशा में तो नहीं आ गए? अतीत लुभाता है सभी को। दोस्तों, ऐसे कई युवा हैं जिनका कहना है कि माता पिता से ज्यादा वो अपने नाना नानी दादा दादी से जुड़ाव महसूस करते हैं। इसका एक कारण ही है कि बुजुर्गों के पास सुखद अतीत की ढेरों यादें होती हैं जिन्हें सुनने सुनाने का अपना आनंद होता है। प्रौढ़ लोग जब हमारे पास समस्याएं लेकर आते हैं तो हम उन्हें जाने अनजाने अतीत की याद लाते हैं, क्योंकि जब वो बीते दिनों के बारे में बताने लगते हैं तो उनकी समस्या की वजहें नजर आने लगती हैं। हम पूछते हैं, गुजरा हुआ कौन सा लम्हा उनके लिए सुखद था? बहुत समय पहले की बात थी, वंस अपॉन अ टाइम। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन एक बड़ा सा संदूक है, इसमें सारी चीजें समा जाती हैं, यहाँ तक कि पूर्व जन्म की बातें भी उसमें छुपी रहती हैं। इसे आप माने न माने, शायद इसे आप गलत समझें या सही, मगर चेतन मन में निरंतर बदलाव होता है। अभी हम जो सोच रहे हैं वो अगले कुछ सेकंड्स में गायब हो जाएगा, कोई नई बात उसकी जगह लेगी। चेतन मन दौड़ता है, शायद इसलिए बुरी यादों को हम जल्दी भुला देते हैं। समय सबसे बड़ा चिकित्सक है, टाइम इज द बेस्ट हीलर, क्योंकि समय के साथ हम भूलते हैं। हमारी मानसिक कार्यशैली डायनामिज्म पे, गतिशीलता पे आधारित होती है। ये कम होती है तो मानसिक असंतुलन बढ़ता है और बिखराव आने लगता है। यहाँ मनोचिकित्सा की जरूरत पड़ती है, हमारी मानसिक कार्यशैली डायनामिज्म पे बेस्ड है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात थी, वंस अपॉन अ टाइम। बचपन की कहानियां अक्सर फ्लैशबैक में चला करती थी। इनमें दुष्ट राक्षस द्वारा कैद की गई खूबसूरत राजकुमारी थी जिसे घोड़े पे सवार राजकुमार आजाद कराता था। इनमें जादू की छड़ी घुमाकर जन्नत की सैर कराने वाली, रात में फूलों की घाटी पे उतरने वाली झिल मिलाती चमकीली परियां भी थी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अतीत का सकारात्मक इस्तेमाल होना चाहिए, नकारात्मक नहीं, क्योंकि नकारात्मक प्रयोग होने पे हमारी रूटीन में रुकावट आ जाती है। व्यक्ति अतीत में जीने लगता है, वो वर्तमान से कट जाता है। दोस्तों, कुदरत के कानून बड़े साफ और सिंपल है। बुरी घटनाओं को भूलना, अच्छी घटनाओं को याद रखना खुद ही होता है, अपने आप हो जाता है। रोमानियत भरे पलों की यादों को ही नोस्टाल्जिया कहते हैं। जब हम कुछ पलों को, कुछ यादों को रोमांटिसाइज करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनमें जीने लगते हैं, तो उसे कहते हैं नोस्टाल्जिया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, वर्तमान हमारे अतीत की ही श्रृंखला है, इसे त्याग कर हम जी नहीं सकते। अगर हम अतीत में लौटना चाहते हैं तो उसकी वजह यह है कि वो अच्छा था। अगर कोई बात हमारे जीवन में अच्छी होगी तो उसे जरूर याद करेंगे, संजो कर रखेंगे। अतीत से ही हम कई सारी चीजें सीखते हैं। ये एक तरह का अनुभव होता है जो हमें सही गलत का फर्क सिखाता है। इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं भुलाया जा सकता है।
दोस्तों अतीत में लौटना सहज नहीं होता, इट्स नॉट सिंपल, लेकिन जरूरी होता है। कई बार जब हम भाग भाग कर थक जाते हैं तो कहीं एक ठंडी छांव की आशा रखते हैं जहां बैठकर सुस्ता सके, आत्ममंथन चिंतन कर सके। ऐसे में बीते दिनों पलों और घटनाओं की यादें हमें हौसला देती हैं, आगे बढ़ने को मोटिवेट करती हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों बीते पलों बीते दिनों और बीती घटनाओं की यादें हमें हौसला देती हैं, आगे बढ़ने को मोटिवेट करती हैं। अतीत की यादें सुखद हों या दुखद, उन्हें याद करना कभी कभी अच्छा होता है। अगर यादें अच्छी हों तो सुकून मिलता है, दुखद हों तो फिर से उसे दोहराने का साहस नहीं करते। अतीत से व्यक्ति हमेशा सीखता है, भूतकाल हमारा प्रतिबिंब होता है, हमारा अक्ष होता है। दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में कई बार संघर्ष किया होगा, बहुत सारा संघर्ष किया होगा और आज आपको कामयाबी हासिल होगी। जो गलतियां आपने की हैं उन्हें आप भविष्य में दोहराते नहीं हो। अतीत में लौटने में कई बार हम ये आकलन भी करते हैं कि क्या वजह थी कि इतने संघर्ष करने पड़े। दोस्तों मैं मानता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी मानते हैं कि अपने अतीत को बीते दिनों के संघर्ष को कभी भुलाना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें इतना भी नहीं खोना चाहिए कि वो यादें भविष्य के लिए बेड़ियों का काम करने लगे। दोस्तों सेंटिमेंटल अटैचमेंट तो होता है, भावनात्मक जुड़ाव तो होता है, लेकिन उससे निकलकर आपको आगे बढ़ना है। अतीत से जुड़ाव तो हमेशा ही रहता है क्योंकि ये एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें हमेशा जमीन के अंदर होती हैं और जड़ें गहरी हैं तभी पेड़ जिंदा है। दोस्तों अगर जड़ें ही मिट गईं तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। ये बातें दिल की बातें हैं, तभी तो मैं कहता हूँ हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।